कम है ना तो इधर कुछ ले लीजिए हाँ ले लेंगे ये साइन प्लीज थोड़ी देर ले सको करूँगी Excuse me. मान साहब थोड़ा सा आ गया आप प्लीज क्लोज कर दो एक दफा भाई लो यस जॉइन विक्ट्री यू गोइंग टू या या यू आर गोइंग डाउन द वर्ल्ड या व्हाट अ थिंग इट वाज डिड यू सी द पिक्चर 80 डेज अराउंड द सामने सामने देख ठीक थैंक यू मान इधर यस यस मैम बात सामने सामने बाहर कौन क्यों नहीं पेरेंट्स हाँ पेरेंट्स अब बाहर ना ये हक कर लो पीछे पीछे हो मीडिया पर्सन सारे अपने थोड़ा किड़ा बड़ा कर ले इधर आगे भाई हाथ यस आप भी यार अगेन आप भी भाई पीछे दूसरी यस यस Thank you. The most appropriate person to flag off the exhibition. Come on, come on, come on. 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 हेलो ये तो बढ़िया लगती है फोटो बढ़िया पीछे रहो पा अल्प लेवल पीछे ए डरता है तक्का साड़ रहा है क्या नाम है आपका मेरा नाम कितर मस्कीटा है तो क्या से आपकी प्लानिंग है क्या करने जा रही हो आपको हम ये वर्ल्ड एक्सपीडिशन करने जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 90 डेज और सो और इसमें हम 23 अलग देशों में जाएंगे 3 कॉन्टिनेंट्स कवर करेंगे और ये सब कर रहे हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत
तो हम दो लड़कियां जो एम्पावरमेंट हम दोनों को मिला है, हमारे वजह से 100 लड़कियां हैं जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आती हैं, उनको एविएशन में अपना करियर बनाने का मिलेगा। तो हम इससे एक स्कॉलरशिप, बेसिकली हम फंड्स रेज करने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। कितने दिन का ये आपका टूर होगा और कितनी ऊंचाई पे आप रहोगे, ये सारा कैसे? हमने लगभग अंदाज़ा है कि करीब 80 से 90 दिन लगेंगे, पर वो वेदर के हिसाब से डिपेंड करता है। जब भी वेदर अच्छा होगा वहाँ फ्लाइंग मिलेगी, जहाँ नहीं होगा वहाँ कुछ कह नहीं सकते। और करीब ऊंचाई हमारी होगी करीब 5,000 से 7,000 फीट तक उसके ऊपर। तो कैसे देख रहे हैं आपको लड़कियाँ, या कुछ डर भी कह रहा, कुछ ऐसा कोई मन में है कि इतने देशों में आपने सफ़र करना है? ये वो डर तो था, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है जो हमारा सपोर्ट है। हमारे मम्मा पापा है, हमारी मैम है लिन मैम है, दीपकन्या मैम है, हमारे मेंटर है कैप्टन राहुल मोंगा, जो उन्होंने खुद ही एक्सपीडिशन कर रखा है। उन्होंने 2008 में एक्सपीडिशन करा था, वो पहले भारतीय है जिन्होंने ये एक्सपीडिशन करा है। और इन सब का सपोर्ट होने के कारण हमें इतना डर नहीं लग रहा। कितना चीज होगा आपको जो ये इस ट्रेनिंग में इस प्लानिंग के बारे सोचते हुए, कब से आप ये इसको मेंटेन कर रहे हो, चला रहे, कैसे आपके देश में आया? करीब 3 महीने हो गए हमें। तो कौन सपोर्ट कर रहा है आपको यहाँ बाहर जाने के लिए, मतलब कैसे आपने किस तक मतलब की आपने, कि आपको कैसे परमिशन वगैरह मिली उस चीज़ की? हमारे लिए एक परमिशंस के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद कर रखी है। उसमें विमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, मेनका गांधी जी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट कर रखा है। और हमारे काफ़ी सारे परमिशंस और रिवर फ्लाइंग परमिट्स भी उनके थ्रू मुमकिन हो पाया है, परमिशन मिले। और हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं नेक्सस जी, हमारे ग्राउंड हैंडलिंग देख रहे हैं, तो बेसिकली परमिशन हमारे पार्किंग लैंडिंग सब वो देखेंगे। प्लान क्या है, कौन कौन से देश में जाओगे? 23 देश है जैसे मैंने बताया आपको, उनमें से ईरान हो गया, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार वैसे, और फिर बैक टू इंडिया। इसमें जो आप ले जा रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल कुछ खासियत भी है इसमें, कुछ ऐसा कि अगर इमरजेंसी की आपकी सेवा में जरूरत पड़े तो? ये जहाज़ बहुत प्यारा है, इसमें इमरजेंसी की वैसे कोई गरज नहीं है। इस जहाज़ ने खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रखा है फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड में, और 80 हॉर्स पावर का इंजन है जो काफ़ी रिलायबल है। हमारे पास बहुत लंबे विंग्स है, करीब 14 मीटर के विंग्स है जो फ्लाइंग में मदद करते हैं। और इसमें एक स्पेशल सिस्टम है, रेस्क्यू सिस्टम, बैलिस्टिक पैराशूट सिस्टम जिसको बोलते हैं, इनकेस कोई इमरजेंसी आ जाए हम वो पैराशूट इनक्लोज। तो आप 90 दिन में कहीं स्टे वगैरह भी होगा आपका, कहाँ कहाँ मतलब कितने? हाँ, हमारी रेंज लिमिटेड है एयरक्राफ्ट की, तो हम करीब 4-5 घंटे ही फ्लाई करेंगे, लैंड करेंगे, रिफ्यूल करेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ऐसा स्टे होगा जहाँ पे एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग होगी, वहाँ पे 2-3 दिनों की स्टे होगा। पहला रूट होगा इतना लंबा जो आप मालूम, दोनों साथ कैसे हम दोनों साथ में ट्रेनिंग से साथ है, हमारा जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग हुई है द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से, तब से हम दोनों साथ हैं। हमारी ट्रेनिंग भी साथ हो चुकी थी, और जब हमें अप्रोच किया गया एक्सपीडिशन के लिए, हमने डिसाइड किया हम साथ में ही करेंगे। इनफैक्ट हम एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते हैं। मेरा नाम है आरोही पंडित, मैं मुंबई से हूँ। कैसे आप चाह रहे हो, क्या कहना चाहोगे इसके बारे स्पेशल? हम जैसे कि इसने बताया, हम 4 साल से फ्रेंड्स हैं, एंड इसमें भी हमें एक साथ ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, सो हम बहुत थैंकफुल है ये अपॉर्चुनिटी के लिए। और हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है सबसे, और ये एक अच्छे कॉज के लिए, तो हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। तो कभी डर नहीं लगता कि इतने लंबे टूर पर अकेले मतलब जाना है, या कोई किस किस स्पोर्ट आपको पीछे आप किसे मानते हो? सर डर तो नहीं लगता, बट जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, एंड हम दोनों इनफैक्ट साथ में हैं, तो कुछ हम अकेले तो नहीं है। तो ऑन कॉल पे सब होंगे हमारे साथ, पूरा टीम हमारे पास एक कॉल पे तैयार होगा, पूरी टीम 24/7 हमारे साथ कांटेक्ट में होगी। तो वैसे कुछ डर इसको लगातार कितने घंटे लगातार चला सकते हैं? सर हम 4.5 घंटे तक इसको लगातार फ्लाइंग कर सकते हैं, इसका एंड्योरेंस है। कहाँ का जो प्लान है, कहाँ से कहाँ तक का टूर है? सर हम 23 कंट्री में जाएंगे 80 दिनों में, जैसे कि 3 कॉन्टिनेंट हम क्रॉस करेंगे, तो USA, कनाडा, आइसलैंड, ये सब कंट्रीज क्रॉस करके वेस्ट वर्ल्ड। आपने पटियाला ही कैसे चुना, कितनी देर से आप पटियाला में जो है ये ट्रेनिंग वगैरह ले? हम पटियाला में पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारी, और ये बहुत अच्छा रनवे, हमें बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ से,
सारे पायलट्स जो सीनियर पायलट्स हैं वो हमें वेदर के बारे में हेल्प करते हैं, रूट के बारे में हेल्प करते हैं, इंजीनियरिंग स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। और सबसे पहले कहाँ जाएंगे इसके बाद आप? सर अभी तक सर हम रूट डिसाइड नहीं किया बिकॉज वो सब वेदर पे डिपेंड होता है। कितनी असाइनमेंट है आपके जाने के लेकर, कितने की आप लगते हैं कि आप कितने खुश हो कि आप जा रहे हो इतने लंबे टूर पे, कैसी असाइनमेंट? सर ऐसे तो हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी वेदर आप देख रहे हो पिछले हफ्ते कितना ख़राब था, तो जैसे वेदर क्लियर हो जाएगा, जैसे आज अगर वेदर क्लियर हो तो हम आज जाएंगे, अगर अगले महीने हुआ तो अगले महीने। आज क्लियर है वेदर सर, लेकिन आज आप इंटरव्यूज है तो परमिशंस और बहुत लेनी पड़ती है हर जगह जाने। कल जाना आपने? सर ऐसे तो नहीं बता सकते हम। ठीक ठीक, तो लास्ट कंट्री के वापस कब और कहाँ होके आना लास्ट में? लास्ट कंट्री तो हम इंडिया ही आएंगे वापस। नहीं वहाँ होकर यहाँ से सर देखते हैं, अब हम कुछ रिवील अभी रूट नहीं है डिसाइड। ठीक थैंक यू। एंडिंग सब वो देखेंगे। प्लान क्या है, कौन कौन से देश में जाओगे? 23 देश है जैसे मैंने बताया आपको, उनमें से ईरान हो गया, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार वैसे, और फिर बैक टू इंडिया। इसमें जो आप ले जा रहे हैं इसमें कुछ स्पेशल कुछ खासियत भी है इसमें, कुछ ऐसा कि अगर इमरजेंसी की आपकी सेवा में जरूरत पड़े तो? ये जहाज़ बहुत प्यारा है, इसमें इमरजेंसी की वैसे कोई गरज नहीं है। इस जहाज़ ने खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रखा है फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड में, और 80 हॉर्स पावर का इंजन है जो काफ़ी रिलायबल है। हमारे पास बहुत लंबे विंग्स है, करीब 14 मीटर के विंग्स है जो फ्लाइंग में मदद करते हैं, और इसमें एक स्पेशल सिस्टम है, रेस्क्यू सिस्टम, बैलिस्टिक पैराशूट सिस्टम जिसको बोलते हैं, इनकेस कोई इमरजेंसी आ जाए हम वो पैराशूट इनक्लोज। तो आप 90 दिन में कहीं स्टे वगैरह भी होगा आपका, कहाँ कहाँ मतलब कितने? हाँ हमारी रेंज लिमिटेड है एयरक्राफ्ट की, तो हम करीब 4-5 घंटे ही फ्लाई करेंगे, लैंड करेंगे, रिफ्यूल करेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ऐसा स्टे होगा जहाँ पे एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग होगी वहाँ पे 2-3 दिनों की स्टे होगा। पहला रूट होगा इतना लंबा जो आप मालूम दोनों साथ कैसे हम दोनों साथ में ट्रेनिंग से साथ है, हमारा जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग हुई है द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से, तब से हम दोनों साथ हैं, हमारी ट्रेनिंग भी साथ हो चुकी थी, और जब हमें अप्रोच किया गया एक्सपीडिशन के लिए हमने डिसाइड किया हम साथ में ही करेंगे। इनफैक्ट हम एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते हैं। मेरा नाम है आरोही पंडित, मैं मुंबई से हूँ। कैसे आप चाह रहे हो, क्या कहना चाहोगे इसके बारे स्पेशल टीम वर्क? जैसे कि इसने बताया हम 4 साल से फ्रेंड्स हैं, एंड इसमें भी हमें एक साथ ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, सो हम बहुत थैंकफुल है ये अपॉर्चुनिटी के लिए, और हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है सबसे, और ये एक अच्छे कॉज के लिए, तो हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। तो कभी डर नहीं लगता कि इतने लंबे टूर पे अकेले मतलब जाना है, या कोई किस किस स्पोर्ट आपको पीछे आप किसे मानते हो? सर डर तो नहीं लगता, बट जैसे कि मैंने बताया हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, एंड हम दोनों इनफैक्ट साथ में हैं, तो कुछ हम अकेले तो नहीं है, तो ऑन कॉल पे सब आएंगे हमारे साथ, पूरा टीम हमारे पास एक कॉल पे तैयार होगा, पूरी टीम 24/7 हमारे साथ कांटेक्ट में होगी, तो वैसे कुछ डर तो इसको लगातार कितने घंटे लगातार चला सकते हैं? सर हम 4.5 घंटे तक इसको लगातार फ्लाइंग कर सकते हैं, इसका एंड्योरेंस है उतना। कहाँ का जो प्लान है, कहाँ से कहाँ तक का टूर है? सर हम 23 कंट्री में जाएंगे 80 दिनों में, जैसे कि 3 कॉन्टिनेंट हम क्रॉस करेंगे, तो USA, कनाडा, आइसलैंड, ये सब कंट्रीज क्रॉस करके वेस्ट वर्ल्ड। आपने पटियाला ही कैसे चुना, कितनी देर से आप पटियाला में जो है ये ट्रेनिंग वगैरह ले? हम पटियाला में पिछले 8 है होते हैं। कहाँ का जो प्लान है, कहाँ से कहाँ तक का टूर है? सर हम 23 कंट्री में जाएंगे 80 दिनों में, जैसे कि 3 कॉन्टिनेंट हम क्रॉस करेंगे, तो USA, कनाडा, आइसलैंड, ये सब कंट्रीज क्रॉस करके वेस्ट वर्ल्ड। आपने पटियाला ही कैसे चुना, कितनी देर से आप पटियाला में जो है ये ट्रेनिंग वगैरह ले? हम पटियाला में पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारी, और ये बहुत अच्छा रनवे, हमें बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ से, सारे पायलट्स जो सीनियर पायलट्स हैं वो हमें वेदर के बारे में हेल्प करते हैं, रूट के बारे में हेल्प करते हैं, इंजीनियरिंग स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। और सबसे पहले कहाँ जाएंगे इसके बाद आप? सर अभी तक सर हम रूट डिसाइड नहीं किया बिकॉज वो सब वेदर पे डिपेंड होता है। कितनी असाइनमेंट है आपके जाने के लेकर, कितने की आप लगते हैं कि आप कितने खुश हो कि आप जा रहे हो इतने लंबे टूर पे, कैसी असाइनमेंट? सर ऐसे तो हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी वेदर आप देख रहे हो पिछले हफ्ते कितना ख़राब था, तो जैसे वेदर क्लियर हो जाएगा, जैसे आज अगर वेदर क्लियर हो तो हम आज जाएंगे, अगर अगले महीने हुआ तो अगले महीने। आज क्लियर है वेदर सर, लेकिन आज आप
इंटरव्यूज है तो परमिशन और बहुत लेनी पड़ती है हर जगह जाने का। कल जाना आपने सर? ऐसे तो नहीं बता सकते हम। ठीक ठीक, तो लास्ट कंट्री के वापस कब और कहाँ होके आना लास्ट में? लास्ट कंट्री तो हम इंडिया ही आएंगे वापस। नहीं, वहाँ होकर यहाँ से सर देखते हैं, अब हम कुछ रिवील नहीं, अभी रूट नहीं है डिसाइड। ठीक, थैंक यू। क्या संदेश? एक संदेश सारी दुनिया को जा रहा है कि जो भारत की लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से ये किया गया सॉरी, और इसके लिए यहाँ पटियाला में उन्होंने ट्रेनिंग की है। ये भी बहुत फख्र की बात है हमें कि हमारे फ्लाइंग क्लब में पटियाला में इन्होंने ट्रेनिंग की है, और आज आपने देखा है आपने 90 दिन की जर्नी के ऊपर ये चल पड़ी हैं, और इनको भगवान परमात्मा इनके सिरों के ऊपर अपना हाथ डाले, सुखी शांति वापस आ जाएं, और इनके ट्रेनर्स को, मिनिस्ट्री को, इनके माँ बाप को पंजाब से मेरे पर्सनली एक माँ के नाते, और पंजाब गवर्नमेंट महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह CM और उनके सारे कोलीग की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।